अब हम ऊष्मागतिकी से संबंधित एक नए फलन के बारे में जानेंगे, वो है एन्थैल्पी। प्रायः जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि वो खुले पात्र में ही होती हैं, चाहे बीकर में होती हैं या परखनली में होती है। तो यहाँ पूरे प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहता है, लेकिन आयतन परिवर्तित हो सकता है। तो जब तक आयतन स्थिर होता है, यानी डेल्टा वी इक्वल टू शून्य लेते हैं, यानी आयतन यदि स्थिर है, तो जितनी भी तंत्र द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है क्यू वी, वह आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होती है, जो हमने देखा कि क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू। लेकिन यदि दाब स्थिर है और आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में या तो संकुचन होगा या फिर प्रसार कार्य होगा। जब भी यहाँ पर संकुचन होता है, तो संकुचन की स्थिति में हम देख रहे हैं कि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, तो इसमें उपस्थित जो ऊष्मा है वह आयतन की अपेक्षा अधिक हो जाती है। और यदि यहाँ प्रसार कार्य होता है, तो दाब के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो ऊष्मा यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस समय जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसे अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए ऊष्मा गतिकी के एक नए फलन की उत्पत्ति हुई, जिसे हम एन्थैल्पी कहते हैं। तो इसे एन्थैल्पियन वर्ड से उत्पत्ति मानते हैं। एन्थैल्पियन शब्द का अर्थ होता है हीट कंटेंट या अंतर्निहित ऊष्मा। स्थिर दाब पर ऊष्मा को ही हम कह सकते हैं एन्थैल्पी। एन्थैल्पी को दर्शाया जाता है एच से, एवं एन्थैल्पी परिवर्तन को दर्शाया जाता है डेल्टा एच से। एन्थैल्पी बराबर यू प्लस पीवी। तो एन्थैल्पी को एच से दर्शाते हैं, यू आंतरिक ऊर्जा है और पीवी, पीवी यहाँ पर दाब आयतन कार्य। तो एन्थैल्पी बराबर हम कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र की स्थिर दाब पर जो एन्थैल्पी है, वह उसके आंतरिक ऊर्जा एवं दाब आयतन कार्य के गुणनफल के और योग के बराबर होती है। तो H बराबर U प्लस PV से दर्शाया जाता है। यदि यहाँ पर परिवर्तन A से B की ओर हो रहा है, तो पहले प्रोसेस में यानी A में एन्थैल्पी होगा H1 और जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो होगी U1। और आयतन में भी परिवर्तन यहाँ पर है, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन, तो दाब स्थिर है तो PV1 लिखेंगे। और यदि B स्थिति तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो होगी U2। आयतन में परिवर्तन हुआ तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं PV2, क्योंकि P यहाँ पर स्थिर है, और एन्थैल्पी परिवर्तन होगा H2। तो जब हम इसे व्यक्त करते हैं H1 बराबर U1 प्लस PV1, फिर H2 यानी जब हम B तक पहुंचते हैं, तो H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2। तो जब परिवर्तन ज्ञात किया जाएगा, तो डेल्टा H निकालना है, तो H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। तो यहाँ होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ एन्थैल्पी परिवर्तन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एन्थैल्पी परिवर्तन स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एवं दाब आयतन जो प्रसार कार्य है, उनके गुणनफल के योग के बराबर होता है। अर्थात स्थिर दाब पर जो डेल्टा एच है, एन्थैल्पी परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एवं प्रसार के यांत्रिक कार्य के योग के बराबर होता है। एन्थैल्पी से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं कि एन्थैल्पी एक अवस्था फलन होती है। केवल एन्थैल्पी के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एन्थैल्पी परिवर्तन को हम अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उसका निर्धारण संभव है। इसी प्रकार जो एन्थैल्पी होती है, वो उस पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एन्थैल्पी को प्रभावित करती हैं। एन्थैल्पी किसी भी पदार्थ की मात्रा, उसके रासायनिक प्रकृति, ताप, दाब पर भी निर्भर करती है। एन्थैल्पी परिवर्तन को डेल्टा एच से दर्शाते हैं, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को डेल्टा यू से दर्शाते हैं।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो गणितीय व्यंजक हमने पढ़ा था, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो यदि डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो वो होगा इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर Q इक्वल टू हो सकता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो Q यहाँ पर अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा, जो कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और दाब आयतन कार्य का जो गुणनफल है इनके योग के बराबर है। तो यहाँ सभी का जो अंतर है, जो परिवर्तन है डेल्टा जो लगा हुआ है, उसको हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है यानी डेल्टा U, इसे हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तभी होता है जब हम A से B तक पहुंचते हैं या एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस तक पहुंचता है परिवर्तन के बाद। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो यहीं से उत्पत्ति होती है डेल्टा U की। तो हम इसे लिख सकते हैं U2 माइनस U1। वैसे ही जो आयतन परिवर्तन है वहाँ भी हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो अब जो सूत्र होगा वो होगा U2 माइनस U1 प्लस P स्थिर है, चूँकि हम यहाँ पर एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो P स्थिर V2 माइनस V1। अब इसी सूत्र को हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, U2 प्लस PV2 फिर माइनस U1 प्लस PV1। तो जो यहाँ U2 प्लस PV2 है ये एंथैल्पी को दर्शाता है, यानी जब हम B तक पहुँचते हैं B की एंथैल्पी को दर्शाता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं H2 माइनस U1 प्लस PV1, ये दर्शाता है प्रारंभिक स्थिति में जो एंथैल्पी है, तो वो होगा H1। तो H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा H। तो अब हमारे पास जो सूत्र आया वो है डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1, क्योंकि एंथैल्पी बराबर है H बराबर U प्लस PV और एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो जो सूत्र हमारे पास आया वो है Q इक्वल टू डेल्टा एच। ये Q P लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्थिर दाब पर ऊष्मा है। तो स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊष्मा है वह एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। तो ये हमने जाना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ऊष्मा में परिवर्तन स्थिर दाब पर और एंथैल्पी के साथ इसका क्या संबंध है। अब हम ये जानेंगे कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए कैसे परिवर्तित होती है। आप सभी ये जानते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ग्राफ के द्वारा यदि समझेंगे तो ग्राफ में यदि एक्स अक्ष पर यहाँ लिया गया अभिक्रिया पथ और वाई अक्ष पर एंथैल्पी परिवर्तन, तो यदि रिएक्टेंट की एंथैल्पी अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ बना है देखिए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऊपर है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी नीचे है, जो ये शो करता है कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी अधिक है प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। यदि हम यहाँ पर P माइनस R करते हैं यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जब हम परिवर्तन को ज्ञात करते हैं तो H यदि निकालना है तो P माइनस R कर देंगे। तो यदि R की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है ग्राफ के अनुसार हमने देखा, तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह निगेटिव होगा। तो डेल्टा एच निगेटिव होने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। अगर मान लीजिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा होती है क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ग्राफ में भी आप देखिए कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऊपर की ओर शो हो रहा है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी नीचे की ओर शो हो रहा है। तो यहाँ भी जो ग्राफ है वो अभिक्रिया पथ और एंथैल्पी परिवर्तन के बीच में खींचा गया है। तो जब हम एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करेंगे यानी डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, तो चूँकि यहाँ पर आर की वैल्यू कम है पी की वैल्यू अधिक है, तो जो डेल्टा एच का मान आएगा वो होगा धनात्मक। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर धनात्मक होता है।
जब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस, तो ठोस एवं जो द्रव है उसमें तापमान बढ़ाने पर उसके आयतन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का जो यहाँ पर अंतर है वो इतना सार्थक दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हम गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं आयतन में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ऐसे ही बहुत ही कम होता है। तो यहाँ जो अंतर है वो बहुत सार्थक दिखाई देता है। गैसीय प्रावस्था में यदि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसके लिए हम किस प्रकार सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो यदि आयतन परिवर्तन हम लेंगे, ए से बी में परिवर्तन हो रहा है तो वी ए यहाँ पर अभिकारक जो अणु है उसके लिए आयतन होगा, वी बी जो उत्पाद है उसके लिए आयतन परिवर्तन आयतन होगा। इसी तरह से यदि हम Na लेते हैं तो Na जो अभिकारक है उसके मोलों की संख्या होगी, और यहाँ पर जो Nb है वो गैसीय जो उत्पाद होंगे उसके लिए मोलों की संख्या होगी। तो जैसा कि हमने देखा कि आदर्श गैस समीकरण होता है Pv इज इक्वल टू nRT, तो यदि A से B तक पहुँच रहे हैं किसी प्रोसेस में, गैसीय अभिक्रिया यदि हो रही है, तो वहाँ पर PvA इक्वल टू NaRT होगा, और यदि B स्थिति तक पहुंचते हैं तो वहां पर PvB इक्वल टू NbRT होगा। तो यहां पर जो सूत्र परिवर्तन है वो देखिए, P फिर VB माइनस VA इक्वल टू NB माइनस NaRT। तो P डेल्टा V या VB माइनस VA जो हमने किया तो उसके लिए है कि डेल्टा V यानी आयतन परिवर्तन, तो P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NRT। तो P डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा NRT, और डेल्टा NG लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम गैसीय अभिकारक गैसीय उत्पाद के अणुओं की बात करते हैं। डेल्टा NG यहाँ शो होता है N2 माइनस N1, तो इसका अर्थ है कि गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या एवं जो अभिकारक है गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्याओं का जो डिफरेंस है वो होता है डेल्टा NG। तो यदि डेल्टा NG RT को हम P डेल्टा V की जगह लिखेंगे तो जो सूत्र हमारे पास आएगा वो होगा यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस डेल्टा NG RT। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी ऐसे रिएक्शन का जिसमें कि गैसी अणु सम्मिलित है उसके लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन या उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। यहाँ जो डेल्टा NG की वैल्यू है उसके आधार पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एवं एंथैल्पी परिवर्तन कैसे संबंधित है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिति जहाँ पर डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू की स्थिति में जो डेल्टा एन है वो पॉजिटिव है। डेल्टा एन पॉजिटिव कब आएगा? उत्पाद के लिए जो अणुओं की संख्या है वो अधिक होगी अभिकारकों की मोलों की संख्या से। तो यहाँ एक समीकरण हम लेते हैं PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। तो PCl5 यानी एक अणु है और PCl3 और Cl2 दो अणु है। तो जब डेल्टा N ज्ञात करेंगे तो 2 माइनस 1 करते हैं तो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आया, मतलब यहाँ डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरी स्थिति है यदि डेल्टा H लेस देन डेल्टा U, तो ऐसी स्थिति में जो डेल्टा N की वैल्यू है वो निगेटिव होगी। अब हम एक समीकरण लेते हैं जहाँ पर अमोनिया का हैबर प्रोसेस हम देखेंगे कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 है। तो जब यहाँ पर N2 प्लस 3H2 हम लिखते हैं यानी 4 है मोलों की संख्या और 2NH3 यानी मोलों की संख्या 2 है, तो डेल्टा NG इक्वल टू NB माइनस NA या अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो यहाँ जो मान आता है डेल्टा NG इक्वल टू 2 माइनस 4, तो इक्वल टू आएगा माइनस 2। तो जो वैल्यू आई हमारे पास डेल्टा NG की वो है निगेटिव। तो इन दोनों में हमने देखा कि कैसे डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आती है। एक स्थिति ऐसी भी है जब डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है, तो ये स्थिति कब कब उत्पन्न हो सकती है? सबसे पहला, यदि कोई रिएक्शन बंद पात्र में हो रहा है,
तो बंद पात्र में आयतन निश्चित होगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। दूसरा ये हो सकता है कि जब अभिकारकों के लिए जितने भी गैसीय अणु हैं और जो उत्पाद है उसके लिए गैसीय अणु हैं वो सब बराबर हों। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। तो इस तरफ भी मोलों की संख्या HCl की 2 है और H2 और Cl2 के एक एक हैं, तो इसको भी कुल हम योग करते हैं तो ये भी 2 है। तो अंतर जब निकालेंगे डेल्टा Ng इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये आएगा 0। तीसरी स्थिति है किसी भी रिएक्शन में यदि गैसीय अणु नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो रही है, तो NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो यहाँ किसी भी अणु की अवस्था गैसीय नहीं है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होगी। अब हम एंथैल्पी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। 1 मोल जल के वाष्पीकरण में मोलर एंथैल्पी परिवर्तन 1 वायुमंडलीय दाब एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 41 किलो जूल पर मोल है। जल वाष्प को आदर्श गैस मानते हुए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। जब पहला प्रश्न इसके लिए, जल का 1 मोल 1 वायुमंडलीय दाब एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित होता है। दूसरा, जल का 1 मोल बर्फ में परिवर्तित होता है। तो पहला प्रश्न जब हम हल करते हैं, तो चूंकि यहाँ वाष्पीकरण की क्रिया होगी, तो जल का वाष्पीकरण यानी H2O लिक्विड से H2O गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। चूंकि यहाँ गैसीय अणु है, तो जब हम गैसीय अणुओं के लिए मोलों की संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे, तो डेल्टा Ng इक्वल टू Np माइनस Nr, यानी प्रोडक्ट यहाँ पर H2O 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और इधर भी 1, तो ये रिएक्टेंट की वैल्यू भी 1, तो ये वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर चूंकि गैसीय अणुओं की संख्या यहाँ पर उत्पाद की स्थिति में 1 है और रिएक्टेंट में गैसीय अणु है ही नहीं, तो इसलिए आंसर आएगा 1। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा यू बराबर होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान है 41 किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा एन की वैल्यू 1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 373, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्लस 273 प्लस करेंगे तो 373 आता है। तो जो आंसर आएगा 37.904 किलो जूल पर मोल। दूसरा प्रश्न है, जब यहाँ पर जल का 1 मोल बर्फ में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, चूँकि यहाँ गैसीय अणुओं की संख्या में परिवर्तन है ही नहीं, क्योंकि गैसीय अणु यहाँ पर है ही नहीं, लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा N इक्वल टू 0। तो डेल्टा NRT की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0। तो जो फॉर्मूला है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, तो इस फॉर्मूला में जो डेल्टा NRT है वह 0 के बराबर हो गया। तो अब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। तो इस पहले वाले प्रश्न में जो डेल्टा U का मान हमें प्राप्त हुआ है, डेल्टा U का मान प्राप्त हुआ है 37.904 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा H की वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है, डेल्टा H का मान यहाँ पर 41 किलो जूल पर मोल। तो इसी आधार पर हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। तो डेल्टा H बराबर 41.0 किलो जूल पर मोल। एक प्रश्न है एंथैल्पी परिवर्तन से ही संबंधित, कि एक पूल से निकला तैराक लगभग 18 ग्राम जल की परत से ढका है, इस जल को 298 केल्विन पर वाष्पित होने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। जल के लिए 373 केल्विन पर डेल्टा एच की वैल्यू 40.66 किलो जूल पर मोल है।
18 ग्राम जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो यहाँ मोलों की संख्या होगी जल के लिए 18/18, क्योंकि मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान चूंकि 18 ग्राम है और इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो भी 18, तो इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल यानी कि 18 ग्राम जल के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा है 40.66 किलो जूल, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर डेल्टा एन यानी गैसीय अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहाँ गैसीय अणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ 1 है और अभिकारक की तरफ है ही नहीं, तो 1-0=1 मोल। डेल्टा एच, H2O जब हम ज्ञात करते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, तो यहाँ पर भी मान आएगा 40.66 किलो जूल प्रति मोल। डेल्टा यू 0=ΔH0, ये मानक स्थिति है इसलिए 0 साइन लगाए, -ΔNRT। तो डेल्टा एच की वैल्यू है यहाँ पे 40.66 किलो जूल पर मोल, माइनस चूंकि डेल्टा एन का मान हमने ज्ञात किया 1, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10^-3 और 373। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 37.56 किलो जूल पर मोल। अगला प्रश्न, 373 केल्विन ताप पर ठोस अमोनियम नाइट्रेट विघटित होकर N2 एवं H2O बनाता है। यहाँ नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है और H2O भी जल वाष्प के रूप में है, तथा एक वायुमंडलीय दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन -223.6 किलो जूल पर मोल है। इन्हीं परिस्थितियों पर अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। हल करेंगे तो चूंकि अमोनियम नाइट्रेट जब अपघटित होगा तो NH4NO3 इक्वल टू N2+2H2O। तो चूंकि NH4NO3 सॉलिड स्टेट में है और अपघटित होकर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में और H2O जल वाष्प के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है, तो गैसीय अणुओं की संख्या में जब हम परिवर्तन लिखेंगे तो चूंकि उत्पाद के लिए जो गैसीय अणुओं के मोलों की संख्या है माइनस अभिकारकों के लिए जो गैसीय अणु हैं उनके लिए मोलों की संख्या, तो अभिकारक की स्थिति में एक भी गैसीय अणु नहीं है तो वह लिखेंगे 0, और उत्पाद की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 2 जल के अणु हैं जो कि गैसीय अवस्था में है और नाइट्रोजन, तो 2 और 1 3। तो यहाँ पर डेल्टा एन जो कि निकालना है, डेल्टा एन इक्वल टू होगा 3। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो जब हम डेल्टा यू निकालेंगे तो डेल्टा यू बराबर होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ दी हुई है -223.6 माइनस, चूँकि डेल्टा एन आर टी यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो एन की वैल्यू जो अणुओं की संख्या में है, गैसीय अणुओं की संख्या का परिवर्तन 3 निकाले हैं, तो -3 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10^-3 इंटू 373। तो आंसर होगा यहाँ पे -232.9 किलो जूल पर मोल।